हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वसीम खान और हम पिछले कुछ लेक्चर से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इस्लाम में विरासती कानून से रिलेटेड कि अगर किसी मुस्लिम मेल या फीमेल की डेथ हो जाती है, उसकी वफात हो जाती है और उस वो अपने पीछे अगर कोई प्रॉपर्टी छोड़ता है, कोई जायदाद छोड़ता है, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके वारिसों में किस तरीके से तकसीम होगी, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर अगर नहीं देखा होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से वो लेक्चर्स देख सकते हो। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई मुस्लिम मर्द है, उसकी डेथ हो जाती है और उसकी एक से ज़्यादा अगर बीवियाँ हैं और वो बीवियों से अगर उसको बच्चे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके बीवियों में और उसके बच्चों में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरीके से तकसीम की जाएगी, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अगर मरने वाला अगर मेल है, कोई मर्द की डेथ हो जाती है, वफात हो जाती है उसकी, और अगर उसके एक से ज़्यादा अगर उसकी बीवियां है, एक से ज़्यादा वाइफ है और उनके बच्चे हैं, तो उस मेल की, उस मर्द की प्रॉपर्टी उनमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, एग्जांपल के ज़रिए हम समझेंगे। देखिए, ये जो पर्सन है जिसकी डेथ हो चुकी है, ये मेल है, ये हस्बैंड है जिसकी डेथ हो चुकी है, 100 रुपये की प्रॉपर्टी उसने अपने पीछे छोड़ा और उसकी 3 बीवियाँ, फॉर एग्जाम्पल वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3, ये 3 बीवियाँ उसकी है। अब क्या होगा, 3 बीवियाँ हैं और जो पहली बीवी है उससे 3 बच्चे उसको है, मतलब 2 सन और 2 डॉटर है, और जो तीसरे नंबर की बीवी है उससे 1 लड़का है। अब क्या होगा, तीसरे नंबर की बीवी से 1 लड़का, पहली बीवी से 2 लड़के और 1 लड़की, और जो दूसरी बीवी है उससे उसको कोई इशू नहीं है, मतलब कोई औलाद नहीं है दूसरी बीवी से। पहली बीवी से 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़कियां और तीसरी बीवी से 1 लड़का। अब ये सिचुएशन है, इसमें उस पर्सन की प्रॉपर्टी ये 100 रुपये हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए कि, और लेकिन ये जो वाइफ है, वाइफ थर्ड की पहले ही डेथ हो चुकी है, मतलब ये हस्बैंड की डेथ के पहले ही, जो थर्ड नंबर की वाइफ है उसकी पहले ही डेथ हो चुकी है। अब ये प्रॉपर्टी, मतलब 2 बीवियां उसकी हयात है और 3 लड़के और 1 लड़की, ऐसा समझ के चलिए ये हयात है। अब उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर बच्चे हैं जिंदा, मरने वाले के अगर बच्चे जिंदा है, तो वाइफ को 1/8 हिस्सा जाएगा प्रॉपर्टी का। अब 100 रुपये का अगर हम 1/8 हिस्सा देखें तो 12 रुपये 50 पैसे होता है। अभी जो 12 रुपये 50 पैसे है, 2 वाइफ उसके अभी हयात है, वाइफ 1 और वाइफ 2, वाइफ थर्ड की तो डेथ हो चुकी है। अब जो 12 रुपये 50 पैसे है, जो 1/8 हिस्सा है 100 रुपये का, वो 12 रुपये 50 पैसे वाइफ 1 और वाइफ 2 में, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, बराबरी की तकसीम होगी। मतलब 12 रुपये 50 पैसे को हम दो में अगर बराबर से तकसीम करें तो वो होता है 6 रुपये 25 पैसे, 6 रुपये 25 पैसे वाइफ 1 और वाइफ 2 को, दोनों को 6 रुपये 25 पैसे, 6 रुपये 25 पैसे मिल जाएंगे। अब जो भी प्रॉपर्टी बची हुई है, समझ रहे हो, अब यहां पर देखिए कि हमने 100 रुपये में से माइनस कर दिए 12 रुपये 50 पैसे, अब 87 रुपये 50 पैसे बच चुके हैं। अब ये 87 रुपये 50 पैसे हम क्या करेंगे, 7 लोगों में डिवाइड करेंगे। क्यों 7 लोगों में, क्योंकि सन के 2 हिस्से, डॉटर का 1 हिस्सा, तो 3 सन है, तो 3 सन के 2-2 हिस्से अगर हम करें तो 6 हिस्से सन के हो रहे हैं और 1 हिस्सा डॉटर का, मतलब बेटों के 6 हिस्से, डॉटर का 1 हिस्सा, तो बेटे को डबल जाएगा शेयर और डॉटर को सिंगल जाएगा। तो अगर 87 रुपये 50 पैसे को हमने 7 में अगर डिवाइड किया तो 12 रुपये 50 पैसे बनते हैं। तो 12 रुपये 50 पैसे प्लस 12 रुपये 50 पैसे, क्योंकि सन को 2 है, तो 25-25 रुपये तीनों सन को मिलेंगे, मतलब 75 रुपये हो गए, और जो बचे हुए 12 रुपये 50 पैसे हैं वो डॉटर को मिलेंगे। तो इस एग्जांपल में देखिए कि जितना सन को मिल रहा है उससे आधा डॉटर को है, तो 100 रुपये को हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब वाइफ एक हो तब भी उसको 12 रुपये 50 पैसे जाएंगे, अगर बच्चे हैं मरने वाले को तो, और 2 है तब भी 12 रुपये 50 पैसे, 3 है तब भी 12 रुपये 50 पैसे, मतलब 1/8 हिस्सा प्रॉपर्टी का उसको मिलेगा, और बेटे बेटियां हैं तो बेटे को डबल,
बेटी को सिंगल, दो हिस्से बेटे को, बेटी को एक हिस्सा। और सिर्फ अगर बेटियां ही है, एक बेटी है, तो जो भी प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा बेटी को मिल जाएगा, दो है तो दो तिहाई हिस्से में वो दोनों बेटियों को बराबरी में प्रॉपर्टी तकसीम की जाएगी। तो ये कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल था जिसके जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होंगी इस्लामी तरीके से। तो अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो मेहरबानी कर इस लेक्चर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ताकि लोग इस्लामी विरासत के कानून से आगाह हो, लोगों को ये पता चले कि हम बीइंग मुस्लिम होने के नाते हमको प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए अपने रिश्तेदारों में या अपने वारिसों में। थैंक यू वेरी मच।